तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम यहाँ से देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 के आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 10 के आपके सामाजिक विज्ञान विषय के क्वेश्चन में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आज हम इसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कक्षा 10 की आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कक्षा 10 के आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आपको यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है। देख सकते हो ये पूरे के पूरे आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कक्षा 10 के आपके सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, संसाधन एवं विकास इस पार्ट का नाम है। तो यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है संसाधनों के अतिदोहन से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं मृदा अपरदन को रोकने के कोई दो उपाय। तो यहाँ से आप लोग मृदा अपरदन को रोकने के दो उपायों को देख लें और अच्छे से इनको याद भी कर लेंगे। और इसी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इस वाले क्वेश्चन को याद कर लेना है कि मृदा निम्नीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और है मेरी आप सभी से कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जैव विविधता किसे कहते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। जैव विविधता किसे कहते हैं, सभी प्रकार के जंगली व पालतू जीवों जंतुओं तथा पादपों की प्रजातियों को जैव विविधता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, संकटग्रस्त या जातियाँ किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप सभी को इस क्वेश्चन को याद कर लेना है कि संकटग्रस्त जातियाँ किसे कहा जाता है। और उसी के नीचे क्वेश्चन लिखा है प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी पूरा याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा याद कर लें यहाँ से। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये वाला क्वेश्चन खरीफ एवं रबी की फसलों में अंतर ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग अंतर इस प्रकार से लिख लें या आप इस तरह से कॉलम बना के भी इनको अंतरों को लिख सकते हो जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसका कि नाम है खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। तो ये इसका उत्तर लिखा है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख लें और इनके उत्तरों को भी नोट कर लेंगे। वह उसी के अलावा आगे क्वेश्चन पूछा गया है अवसादी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे टोटली। और इसके समझ लेने के बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो लिखा गया है ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में कोई तीन अंतर लिखिए। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और इसमें अंतर भी लिखना सीख लेंगे टोटली, आपसे परीक्षाओं में पेपर में पूछा जाएगा। और इसको सीख लेने के बाद में आगे ये पूछा गया है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या क्या है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और इसको याद भी कर लेंगे। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि यहाँ पर लिखा है खनिज किसे कहते हैं। तो यहाँ से ये पूछा गया आप सभी से, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देख सकते हो यहाँ से, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है खनिजों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ से आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को देख लेंगे और टोटल इसको याद कर लेंगे। तो देखिएगा क्या लिखा है, खनिजों के स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्न वर्गों में इसको बांटा जा सकता है। यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और नोट कर लेंगे। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ये पूछा गया है लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर सकते हो टोटली ताकि आप सभी को ये पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को समझते हैं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों अगर इतिहास विषय की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको कर लेने हैं याद। तो देखिएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो जो क्वेश्चंस आप सभी के लिए अनिवार्य है आप लोग इनको जरूर अच्छे से याद कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा आंदोलन से किस प्रकार से जुड़ी थी। तो यहाँ से आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को याद कर लेंगे।
और उसके अलावा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है देख सकते हो यहाँ से, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे टोटली। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत में रूलर एक्ट के विरोध में लोग क्यों थे, इस वाले क्वेश्चन को पूरा आप लोग याद कर लें। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देख ले जो कि यहाँ पर लिखा गया है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी पूरा याद कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। और उसी के नीचे यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन बिल्कुल अच्छे से जरूर कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से और क्वेश्चंस हैं जो कि आपको याद कर लेना चाहिए। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है, स्पिनिंग जेनी क्या है, इस वाले क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेंगे। फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ होता है, और इसके अलावा ईटी पॉल कौन था, गुमास्ता कौन थे, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। और उसी के नीचे गुमास्ता के दो कार्य जोबर कौन थे और जमशेद जी जीजी भोई कौन थे, इन सभी प्रश्नों का रिवीजन आप लोग बहुत अच्छे से कर लें, ये आपके पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा। और आगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। और उसी के अलावा ये जो लिखा है, स्टेपलर किसे कहते हैं, पुलर किसे कहते हैं और कार्डिक किसे कहते हैं, तीनों के तीनों ही आप लोग यहाँ से इसको याद कर लें। और आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको एक इस वाले क्वेश्चन को याद कर लेना है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। और इसको समझ लेने के बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पूछे जाएंगे आप सभी से। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा था, पांडुलिपियाँ क्या थी, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चंस को देख लें, पांडुलिपि का प्रचार सीमित क्यों रहा, ये भी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और अगले क्वेश्चन को देख लें, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल को दो विशेषताएँ लिखिए। और अगले क्वेश्चन को देख लें, क्या लिखा, पंचांग किसे कहते हैं, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। और अगले क्वेश्चन को देखें, कंपोजिटर क्या है, गेल से क्या अभिप्राय है। और उसी के अलावा आगे के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, ये जो क्वेश्चन लिखा है, फतवा से क्या आशय है, प्रोटेस्ट धर्म सुधार से क्या आशय है, आप लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। और अगले क्वेश्चंस को देख लें, लक्ष्मीनाथ बेजू बवरा कौन थे, छपी किताब को लेकर इसमस में क्या विचार हैं, तो यहाँ से आप लोग देखते चले इसको, चेप बुक से क्या आशय है। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य है और समरूप समाज क्या है, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, वर्ण व्यवस्था क्या है, यहाँ से आप लोग इसको पूरा देख लें। शहरीकरण क्या है, इसको भी देख लें। घरेलू हिंसा कानून अपराध है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे, नारीवादी आंदोलन को समझाइए, तो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें आप लोग। और उसी के अलावा कुछ और प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, अश्वेत शक्ति आंदोलन किसे कहते हैं, शहरीकरण क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लेंगे। और वोट बैंक किसे कहते हैं, लोकतंत्र क्या है, इन सभी प्रश्नों का रिवीजन आप लोग अच्छे से जरूर कर लेंगे। और उसी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे से जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी अब वार्षिक परीक्षाएँ आ चुकी है। और आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो राजनीति में से ये वाला क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है, राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए, भारत के चार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। अगले क्वेश्चन को बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं, और उसके अलावा राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य है, यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। और उसके अलावा यहाँ से एक राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त कैसे होती है, और उसके अलावा दल बदल विधेयक किसे कहते हैं, व उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, वेद शासन किसे कहते हैं, और उसके अलावा लोकतंत्र क्या है, इन प्रश्नों का आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेंगे। और लोकतांत्रिक सरकारें वेद क्यों होती है, इन वाले क्वेश्चंस को देख लें। और इसके अलावा आगे बढ़ता है तो ये वाला क्वेश्चन, लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था किस प्रकार से है, इसको पूरा याद कर लेंगे आप लोग। व उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा ये अर्थशास्त्र विषय में से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको याद कर लेने चाहिए, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लें, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया गया है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन का रिविजन बिल्कुल अच्छे से जरूर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोग बैंकों में पैसा जमा क्यों करते हैं, तो यहाँ से आप लोग इसके लिए इसको देख लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चेक क्या है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। क्रेडिट कार्ड क्या है, तो इसको भी आप लोग पूरा याद कर लेंगे यहाँ तक का। और इसको समझ लेने के बाद में, कर्ज जाल किसे कहते हैं, व उसी के अलावा कुछ और प्रश्न जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, बहुराष्ट्रीय निगम किसे कहते हैं, और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर आपको बता देना है। और उसी के अलावा
ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे और इसको समझ लेने के बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है, यहाँ तक आप लोग पूरा याद इसको कर लेंगे और इसको समझ लेने के बाद में कुछ आगे के प्रश्नों को और देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है उपभोक्ता संगठन, ये वैसे तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस बार के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपका पार्ट इस साल हट चुका है उपभोक्ता अधिकार, तो यानी कि इस पार्ट में से आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन याद नहीं करना है, इस पार्ट को आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, ये पार्ट आपका हटा दिया गया है, तो इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं करना है इस पार्ट में से, अब आपको सीधा जाना है अपने अगले पार्ट पर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यही इसमें कुछ टोटल पार्ट थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, खासकर आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये मैंने थोड़ा सा जो आपको बताया था कि आपको उपभोक्ता वाले पार्ट को बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ये आपके पेपर में से हट चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।